ये वो बगिंग डिवाइस है जो इमरान खान के घर में इंस्टॉल की गई और इसको इंस्टॉल करने वाला ये शख्स पकड़ा गया है। ये देखिए अभी रेड लाइट जल गई होगी इसकी, ये ऑन हो गई है, ठीक है ना जी। तो ये ऑन और ऑफ होती है। इस कमरे के अंदर अगर इस डिवाइस को आपने ऑन करके रख दिया है तो इसका काम है इस पूरे कमरे में जो भी बातचीत हो रही है, इसके में बहुत ही सेंसिटिव माइक लगाया जब हमने इसे चेक किया है। 50,000 रुपया दिया और इसे कहा आइंदा भी तुमने डिवाइस लगानी है और डिवाइस जब तुम लगा दोगे और इन्फॉर्मेशन हमें मिलनी शुरू हो जाएगी तो फिर हम तुम्हें खर्चा रेगुलरली देंगे और पैसे भी देंगे। तो खान साहब का अपना फैसला है कि वो क्योंकि ये गरीब है इसलिए इसको खान साहब ने माफ़ करने का ये फैसला किया है, इसके खिलाफ हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। सर मैं पहले नंबर पे तो खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे माफ़ कर दिया मेरी इतनी बड़ी गलती को। इस वक्त मैं बनीगाला में मौजूद हूँ और अब तक की आज के दिन की शायद ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये वो बगिंग डिवाइस है जो इमरान खान के घर में इंस्टॉल की गई और इसको इंस्टॉल करने वाला ये शख्स पकड़ा गया है। ना सिर्फ पकड़ा गया है बल्कि बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब ने इसे माफ़ कर दिया है और बनीगाला से इसे माफ़ी देने के बाद यहाँ से इसके अहलो अयाल के साथ इसकी फैमिली के साथ इसे रुखसत किया जा रहा है। शहबाज़ गिल साहब अपनी निगरानी में, इस्लामाबाद पुलिस के कुछ अहलकार अपनी निगरानी में इसे रुखसत कर रहे हैं और शक्ल ना दिखाने की वाहिद रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ यही है, मैंने खुद देखी है, मैंने खुद देखी है, इनसे बात कर चुका हूँ, इनका एतराफ़ी बयान सामने आ चुका है, ये बगिंग डिवाइस लगाते हुए ये शख्स खुद पकड़ा गया, एतराफ़ कर चुका और सिर्फ इसलिए इसकी शक्ल छुपाई जा रही है के बाद में इसकी जात को नुकसान ना हो। इमरान खान ने कहा कि 20-25 हज़ार रुपये नौकरी करने वाला ये नौजवान, इसके ऊपर क्या हो सकता है बाद में, उसका उन्हें बहुत अच्छे से अंदाज़ा है, मामला अदालतों में जाएगा, कहां कहां तक जाएगा, तो इसे माफ़ कर दिया। शहबाज़ गिल हमारे साथ मौजूद है, मुख्तसर सा कॉमेंट, खान साहब ने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया कि अपने खिलाफ साजिश करने वाले इस शख्स को माफ़ कर दिया, क्या कहेंगे जी? तमाम वकला और तमाम लोगों का व्यू तो इससे अपोजिट था, लेकिन खान साहब का आपको पता है कि वो जब गरीब की बात आती है तो वो फिर मेरे ख्याल दिमाग से नहीं सोचते, दिल से सोचते हैं, तो उन्होंने दिल से सोचा है। इससे भी थोड़ी सी बात करते हैं, डिटेल इंटरव्यू थोड़ी देर में दिखाऊंगा आपको। इमरान खान ने माफ़ कर दिया है, अब आप जा रहे हो यहाँ से, कोई माफ़ी मांगना चाहोगे इमरान खान साहब से या जो हरकत की है, क्या कहोगे इस पर? मैं सर अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं उनसे दिली मेरी दुआ है कि सर हमेशा वो खुश रहे, उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया, मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है। तुम पे कोई टॉर्चर तो नहीं किया, मारा पीटा तो नहीं किया? कुछ भी नहीं किया, तो प्यार मोहब्बत और तरीके से इसे यहाँ से रुखसत कर दिया और ये डिवाइस शहबाज़ गिल साहब के हैंड ओवर कर रहे हैं हम। और ये इतनी बड़ी खबर है अभी तक की कि जासूसी करने वाला वो शख्स अब बनीगाला के इस डोर से आउट हो रहा है, इसकी फैमिली को उसके साथ भेजा जा रहा है। मजीद कब हुआ ये वाकया, कैसे हुआ, ये सारी तफसीलात आपको कुछ ही देर में बताऊंगा। कि ये पिछले 5-6 साल से, 6 साल से थे तकरीबन आप यहाँ, 6 साल से तकरीबन यहाँ खान साहब के पास ये मुलाजमत कर रहे थे और इनको आज से कोई 2.5-3 महीने पहले इनको हायर किया गया। गरीब आदमी है, गरीब घर से है, कोई पेशावर ऐसा मुजरम नहीं है, अपना काम कर रहा था। इसको इसके कोई भाई कुत्ते वुत्ते, वो कुत्ते बेचते हैं, लाइक कुत्ते पालते हैं और बेचते हैं, उस आड़ में इनसे कोई कुत्ता ख़रीदने आया, इनको ज़्यादा पैसे दिए, ज़्यादा पैसे दे के इसे अपनी तरफ लूर किया गया, अपनी तरफ मतवज्जो किया गया। उसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता महीने का तकरीबन 50,000 रुपया दिया जाता था। नहीं सर, एक ही दफ़ा उन्होंने दिया, एक दफ़ा 50,000 रुपया दिया, तो एक दफ़ा जारी बात है, अभी आयदा भी देने का वादा किया था हर महीने, उन्होंने आगे किया था जी, 50,000 रुपया दिया और इसे कहा आइंदा भी तुमने डिवाइस लगानी है और डिवाइस जब तुम लगा दोगे और इन्फॉर्मेशन हमें मिलनी शुरू हो जाएगी तो फिर हम तुम्हें खर्चा रेगुलरली देंगे और पैसे भी देंगे। इसने बताया कि ये खान साहब जहाँ पर जो उनकी क़यामगाह है उसके अंदर इसकी एक्सेस नहीं है उतनी, किसी और की एक्सेस है, तो उन्होंने फिर इसे सेकंड जो इसके ज़ुम्मे लगाया वो ये लगाया कि जिसकी एक्सेस है उसको हमारे साथ कनेक्ट करवाओ। इसने वो ज़िम्मेदारी पूरी की, इसने जो दूसरा लड़का है उसके साथ कनेक्ट करवाया, वो अपने गांव जो कि वेस्टर्न पंजाब के अंदर है वहाँ पर जा रहा था और वेस्टर्न पंजाब के उस इलाके में जब उसने छुट्टी पर जाना था तो इसने उसको कनेक्ट करवाया और यहाँ पर फैज़ाबाद पर जब उसने वहाँ से कोच लेनी थी तो वहाँ पर वही साहब आए जिन्होंने इसको कनेक्ट किया था,
और वहाँ पर आके वो उसे गाड़ी में बिठा के फिर उसके यहाँ से कोई 5-6-7 घंटे दूर उसका वो इलाका है, वहाँ 7 घंटे दूर गाड़ी में उसे छोड़ के आए। रस्ते में जारी बात है उसे भी लूर किया, पैसे ऑफर किए, उसे भी कहा कि पैसे देंगे। जब वो वहाँ से छुट्टी से वापस आया तो उसके साथ भी कनेक्टेड रहे। फिर उसको ईद के बाद वो वापस आ गया। फिर उसको अभी वो थोड़ी देर पहले छुट्टी किया, जब वो वापस आया तो उसको एक यहाँ पर दफ्तर में भी लेके जाया गया। दफ्तर किसका था हमें पता है, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन हमारे पास वो सारी डिटेल मौजूद है कि उन्हें किस दफ्तर में ले जाया गया, उस दफ्तर के अंदर किस तरह की ग्रिल लगी हुई है, किस तरह का गेट है, किधर मुड़ते हैं, किधर बैठते हैं, उस दफ्तर का हदूदरबा कौन सा है, फर्नीचर अंदर कैसा है, वो तमाम इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। उसके बाद जो इनका तय हुआ कि डिवाइस जो है वो दी जाएगी इनको, ये ला के डिवाइस देंगे उसको, और उसको कहा गया कि आपको 50,000 महाना मिलेगा, और उसके बाद जब जब आप ये डिवाइस वापस दोगे उसमें जितनी काम की इन्फॉर्मेशन होगी उस एतबार से आपको पैसा दिया जाएगा। तो डिवाइस मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वो डिवाइस है जो आप देख सकते हैं, ये यहाँ से ऑन होती है और ऑफ़ होती है। मैं अभी आपको ऑन करके दिखाता हूँ, आपको समझ आएगी। तो ये देखिए अभी रेड लाइट जल गई होगी इसकी, ये ऑन हो गई है, ठीक है ना जी। तो ये ऑन और ऑफ़ होती है, और इसका काम है इस कमरे के अंदर, अगर इस डिवाइस को आपने ऑन करके रख दिया है तो इसका काम है इस पूरे कमरे में जो भी बातचीत हो रही है, इसके में बहुत ही सेंसिटिव माइक लगाया जब हमने इसे चेक किया है तो पूरे कमरे में दूर दराज भी जो कन्वर्सेशन होती है वो बिल्कुल सुनाई देगी इसके अंदर। ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है एक सॉफ्टवेयर के साथ, उसी सॉफ्टवेयर के साथ, उसी पासवर्ड के साथ ये जो है ये चलेगी। और अगर आप देखें तो ये इस जगह पर इसका ये लगा हुआ, ये माइक है इसका, अगर आप देखें तो बहुत बारीक है, आपको नज़र नहीं आएगा, बहुत बारीक इसमें माइक की जगह है। और ये वो डिवाइस प्लांट करने के लिए सारा ये कुछ किया गया। अब जब इन्होंने इनको ये डिवाइस दे दी गई, हैंडओवर कर दी गई, इन्होंने जब आगे डिवाइस हैंडओवर करने का वो जो प्रोसेस था उसमें ये इंटरसेप्ट हुए और ये सारा जो अनअर्थ हुआ सारा प्रोसेस, और उसके बाद इनको इन्वेस्टिगेट किया। अब ये जो जुर्म है ये ट्रेसपासिंग है, ये एक फौजदारी जुर्म है। इसके ऊपर आप दूसरी बात ये भी समझ सकते हैं कि अगर ये डिवाइस दी गई है तो इससे थोड़ी बड़ी डिवाइस अगर बारूद की बनी हुई रख दी जाए किसी के बेड के नीचे, किसी की कुर्सी के नीचे, तो उसकी जान ली जा सकती है। तो हो सकता है ये डिवाइस पहले सुनने वाली सिर्फ रखवानी गई हो और उसके बाद अगली जो बारी है उसमें कोई बारूदी डिवाइस रखनी हो। उसके बावजूद तमाम हमारे जो वकला थे सीनियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका कहना ये था कि इसके ऊपर पुलिस की कार्रवाई करनी चाहिए सब कुछ। खान साहब का फैसला ये है, उनका अकलौते का ये फैसला है, उन्होंने ये कहा है कि मैंने सारी ज़िंदगी गरीब के साथ खड़ा हुआ हूँ, ये गरीब आदमी है, इसने जुर्म ज़रूर किया है लेकिन असल मुजरम वो है जिसने पैसे दे के इसे ख़रीदा। ये तो बेचारा पढ़ा लिखा भी नहीं है, गरीब घर से है, ये तो पैसे के चक्कर में आ गया, हो सकता है इस पर प्रेशर भी हो, दोस्त भी हो, धमकी भी हो। असल मुजरम तो वो शख्स है जो शराब की बोतलें भी देता रहा, जो पैसा भी देता रहा और दूसरे मुलाज़मीन को भी अपनी तरफ जो है वो मरूब करने की कोशिशें करता रहा। तो खान साहब का अपना फ़ैसला है कि वो क्योंकि ये गरीब है इसलिए इसको खान साहब ने माफ़ करने का ये फ़ैसला किया है, इसके खिलाफ़ हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। मीडिया को बुलाने का पर्पज़ ये था, मैं बड़ा वाजे कर दूं कि हमें ये शक है कि इसको बाद में मार दिया जाएगा क्योंकि हमने इस पर ना तो कोई तशद्दुद किया है। बेटा आप पे कोई तशद्दुद तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, हमने ना तो इस पर कोई तशद्दुद किया है, हमने आपके सामने सही सलामत बैठा है, लेकिन जारी बात है इसके पास और बहुत सारे राज होंगे। हम या तो इसकी कोई इंटेरोगेशन करते, कोई तशद्दुद करते, जैसे हमारी पुलिस थर्ड डिग्री करती है, तो फिर शायद ही और बहुत कुछ बताता। जिन्होंने इसको वो सारा कुछ कहा है उनको तो पता है ना इसके पास क्या कुछ है। तो हमें ये लगता है कि इसको रास्ते से हटाया जाएगा जब ये बाहर जाएगा और इसको मार दिया जाएगा। इसलिए आप सारे रिपोर्टर्स को ये बुलाया गया है यहाँ पर ताकि आप विटनेस करें इसका यहाँ से अपनी फैमिली के साथ डिपार्चर। इसके फैमिली को हमने बुला लिया है, हम इसको माफ़ कर रहे हैं। पुलिस के पीछे एक SP साहब भी बैठे हैं आपको पता है, और उनके मौजूदगी में, आपकी मौजूदगी में हम इन्हें बनीगाला से सही सलामत खान साहब की
गरीब परवरी की वजह से कि वो नहीं चाहते कि किसी शख्स को सज़ा दी जाए या किसी शख्स को, किसी गरीब आदमी को सज़ा दी जाए किसी अमीर के, किसी ताकतवर की हुई करतूत के पीछे। तो खान साहब ने ये फ़ैसला किया इसे माफ़ करने का, हम इसे भेज रहे हैं। इमरान खान सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म नहीं है, वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। आज जब ये ख़बर मैंने आपको बताया, मुझे मजबूरन इसकी जान बचाने के लिए ये शेयर हमें करनी पड़ रही है। ऐसे भेजेंगे तो हमें कोई पता नहीं ये किधर जाएगा कल को। लेकिन आप आज जब ये मीडिया पे हिट करेगी न्यूज़, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात होगी कि डिवाइसेस लोगों के कमरों में लगवाई जाती हैं, बेडरूम्स में, उसके लिए शराब सप्लाई की जाती है, पैसे सप्लाई किए जाते हैं, लोगों को मरूब किया जाता है। ये बेहतर काम नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के, मुझे कमज़ोर ही समझें आज आप, मैं एक पाकिस्तानी के तौर पर आपसे बात करके कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान की रियासत से हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम इस पाकिस्तान के लोग हैं। मैंने खुदा की कसम इमरान खान से ज़्यादा मुहिब्बे वतन लीडर इस मुल्क में नहीं देखा, जिसकी हर सांस पाकिस्तान के साथ है। तो मेरी गुजारिश है कि ये वाले काम ना करें, इससे इमरान खान के साथ अल्लाह की ज़ात और नीचे पाकिस्तान की आवाम है। इमरान खान को कुछ नहीं होना, इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं पहुँचना, लेकिन आपकी रेपुटेशन को इसका नुकसान पहुँचना है। खुदा रहा ये काम ना करें, जो भी ये कर रहा है, हमें नहीं पता ये कौन कर रहा है, लेकिन जो भी ये कर रहा है खुदा रहा ये काम ना करें। और बाकी मीडिया बेहतर जाग जाए कि ये कौन कर रहा है। मैं किसी को अक्यूज़ इसमें करने की इस टाइम पोजीशन में नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं कि फलां शख्स ने स्पेसिफिकली है। कोई सवाल है तो आप पूछ लें। ये बताएं कि ये डॉक्टर शहबाज गिल ने जो बात की है, ये सारी बातें, ये ठीक बातें? जी बिल्कुल सच है। आपने कोई और डिवाइस लगाई है? सिर्फ यही थी? नहीं सर, यही थी, मैं लेके आया था पर मैं पकड़ा गया था। कितने टाइम से कर रहे हो ये सारा कुछ? ये सर फर्स्ट टाइम ही है। नहीं, कितना अर्सा हो गया जब आपसे रब्ता किया गया और उसके बाद आपने ये सारा काम शुरू किया? सर रब्ता 2-3 माह से था, पर पहले डिवाइस की कोई बात नहीं थी, ऐसी हुई। तो यहाँ पे तो नहीं किया इन्होंने आप पे? जी तशद्दुद बिल्कुल नहीं किया जी। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? आपकी अपनी क्या इस सारी सिचुएशन में अपना क्या मौकफ है? सर मैं पहले नंबर पे तो खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे माफ़ कर दिया मेरी इतनी बड़ी गलती को। आपको इतने अर्से सर बहुत ज़्यादा, अब आपकी जान को खतरा है जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा है, तो आप इसके बाद क्या कोई अपील करेंगे आप जिन लोगों ने आपको इस्तेमाल किया उनसे कि आपको वो भी माफ़ कर दें? सर मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो खुदाया मुझे माफ़ कर दें। बस सिंपल ये बता दो कि अब आइंदा का क्या है, मतलब अभी नौकरी से तो बर्खास्त हो गए, इस बात का दुख है? सर बहुत ज़्यादा। कितना अर्सा काम किया यहाँ पे? सर 6 साल की। 6 साल तक का सर 25,000। बस ठीक है, सारी मिली हैं जी, ठीक है, बस ठीक है, राइट। इमरान खान का अपना एक मुलाजम जो स्वीपर था वो यहाँ पे एक अरसे से काम कर रहा है और 25,000 महाना उसका इवज में तनख्वाह लेता था। डॉक्टर शहबाज दीदी है और ये अभी इसको जी ये इस वक्त यहाँ इमरान खान की रहायशगाह से इनको रवाना किया जा रहा है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे भेज दिया इसको बाहर चला गया नीचे यहाँ पर एक नहीं, नहीं। जो के बता। ये है वो डिवाइस जिससे इमरान खान की जासूसी करने की कोशिश की गई। किसने किया, क्यों किया, ये सब मैं आपको कुछ ही देर में बताऊंगा। खान साहब की जात इन्वॉल्व है, सचनी केसी में जवाब आएंगे, उनकी फैमिली इन्वॉल्व है, समझ रहे हैं? सो आई विल नॉट गो ना हम इन सवालों में। आपके लिए काफी बड़ी स्टोरी है, जितनी कर लेंगे ना, जितनी मैं आपको मीट